दरअसल सोचिए कि सरकार के पास करीब 50 साल पहले ही रिपोर्ट आ गई थी कि एक जगह है जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो जमींदोज हो जाएगी, जिसके बाद सरकारें बदली और दर्जनों ऐसी रिपोर्ट्स बनती रहीं। सब में यही कहा गया कि जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बुरा होगा, रिपोर्ट के पन्ने पीले पड़ गए। लेकिन एक्शन तब लिया जा रहा है जब रिपोर्ट लिखने वाले एक्सपर्ट्स ने दावा कर दिया है कि अब एक ओवर में 37 रन चाहिए, यानी कि अगर कोई भी विज्ञान या टेक्नोलॉजी लगा लेते हैं तब भी आप इस ऐतिहासिक शहर की संस्कृति और विरासत को जमींदोज होने से नहीं बचा सकते। ऐसे में जब एक्शन लेने की बारी आई तो जोशी मठ में करीब 700 से अधिक घरों और होटल्स के बाहर लाल निशान बनाकर उनके ऊपर बुलडोजर चलवाकर उसे गिराए जाने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से जब इसके लिए मुआवजा मांगा जा रहा है तो सरकार हर टूटने वाले घर के लोगों में 1.5 लाख देकर मुआवजा का मुंह बंद कर रही है। अब सोचिए कि आज के जमाने में सरकार की गलती की वजह से आपका बना बनाया घर और सब कुछ तोड़ दिया जाता है, इसके बदले में आपको 1.5 लाख की मामूली सी रकम पकड़ा दी जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जोशी मठ के उन बेघर हो रहे घरों और होटल्स के मालिकों को लग रहा है। लेकिन सरकार अपने पुराने किए कराए को जल्दी जल्दी समेटने के लिए घर गिरवाने में लगी हुई है। उस सरकारी NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ कुछ नहीं हो रहा है, जिसने ऐसा माहौल बनाया कि पूरा शहर खत्म होने को है। हालत तो यह है कि NTPC अब भी इस डिजास्टर के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान रही है। जब जोशी मठ त्रासदी को लेकर लगातार तपोवन परियोजना पर आरोप लगाए गए तो NTPC ने साफ कह दिया कि वो 12.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बना तो रहे हैं लेकिन वो जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं जाती और ना ही सुरंग के चलते शहर को कोई नुकसान पहुंचा है और हाल ही में कोई ब्लास्ट भी नहीं किया गया। केंद्र की इतनी बड़ी एजेंसी कोई दावा करे तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या बात इस दावे पर खत्म हो सकती है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2009 के बाद से अब तक कई बार ऐसा हुआ कि सुरंग की खुदाई में लगी मशीन ऐसी चट्टानों से टकराई जिनमें पानी मौजूद था। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं एक्वीफायर इंग्रेस इवेंट, जिसमें जमीन के भीतर का पानी तेजी से सुरंग में बहने लगता है। और तो और, एक घटना पर अगर अलग से नजर डालें तो 2010 में इसी कारण से इतना पानी रिसा कि NTPC को जोशीमठ के लोगों के साथ एक समझौता करना पड़ा, क्योंकि शहर में पानी की कमी हो गई थी, वो भी उस शहर में जहां पानी की कोई कमी नहीं है, हर तरफ नदियां और ग्लेशियर हैं। प्रशासन की लापरवाही, सरकारों की लेट लतीफी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर विकास करने वाली प्रवृत्ति, ये वो तीन विलेन हैं जिसने जोशी मठ को संकट में ला दिया है। अब तक की प्रशासन की कार्यवाही के बाद जोशी मठ में 723 मकानों में दरारें पाई गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ 131 परिवारों को टेम्परेरी तौर से वहां से कहीं और पहुंचा दिया गया है। 10 उन परिवारों को जिनके घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें 1.5 लाख की दर से धनराशि वितरित की गई है। इसके साथ ही अफेक्टेड फैमिलीज को उनकी एज रिक्वायर्ड फूड किट और कंबल भी बांटे गए। लेकिन इन दावों और इंतजाम के बीच लोगों का विरोध भी शुरू हो चुका है। किसी की जिंदगी भर की कमाई का जो 1.5 लाख रुपए का मुआवजा निकाला गया है, लोगों को एराज नहीं आ रहा है। कई महिलाएं सड़कों पर बैठ गई। लोगों की मांग है कि होटल तभी गिराने दिया जाएगा जब उन्हें उचित मुआवजा मिल जाएगा। अब अगर हम जरा मुआवजे से हटकर जिम्मेदारी की बात करें तो ये बात साफ है कि इसमें सिर्फ NTPC को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, क्योंकि जोशीमठ का इलाका ग्लेशियर द्वारा पीछे छोड़े मलबे पर बना हुआ है। ग्लेशियर माने बर्फ की नदी, जो बेहद धीमी रफ्तार से नीचे उतरती है। इसी बर्फ पिघलने से ही नदियों की धाराएं आकार लेती हैं। अब कल्पना कीजिए, जब बहता पानी अपने साथ मलबा लेकर चल सकता है तो बर्फ कितना मलबा लेकर चलती होगी। तो जब ग्लेशियर पीछे हटता है और रास्ता बदलता है तो नीचे मलबा रह जाता है, जो देखने में जमीन जैसा लगता है। चूंकि इसकी परत बहुत मोटी होती है, इसीलिए इसे भी देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह पहाड़ है या सिर्फ मलबा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये है तो मलबाई। इस पर निर्माण के क्या खतरे होते हैं, इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर इमारत बनाने से पहले नींव की मजबूती से जांच करनी सबसे जरूरी है। पहाड़ों पर अक्सर ढीली मिट्टी होती है, जिसमें मकान की नींव रखना सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए गहराई तक खुदाई कर ठोस मिट्टी तक पहुंचना जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक मलबे का ढेर था, तो इसके लिए उस मजबूत मिट्टी तक नींव खोदना अब थोड़ा मुश्किल काम था। इसलिए लोगों ने बिना इस बात को समझे कमजोर नींव के साथ निर्माण काम बहुत बड़े स्तर पर जारी रखा, क्योंकि जब भी कोई सरकारी इमारत बनाई जाती है तो सभी नियमों को ध्यान में रखा जाता है। मिट्टी की जांच होती है, इसके बाद इमारत बनाने की इजाज़त मिलती है। लेकिन आम लोग जब पहाड़ों पर घर बनाते हैं तब इन नियमों के पालन को इसकी कोई गारंटी नहीं।
खैर इस घटना से जो उत्तराखंड और केंद्र सरकार जागी है उसे अपनी इस खुली नींद में अब जरा उन इलाकों को भी देख लेना होगा जहां जोशी मठ जैसे हालात होने ही वाले हैं और ध्यान नहीं दिया गया तो आप और भी ऐसी खबरें देखेंगे। सबसे पहले कर्णप्रयाग की बात करें तो जोशी मठ की घटना के बाद कर्णप्रयाग के लोग भी दहशत में आ गए। बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे इस क्षेत्र के करीब 25 मकानों में 2 फीट तक की दरारें पड़ी हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और रह रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन की ओर से कोई सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए जिससे यहाँ रह रहे लोग काफी परेशान हैं। कर्णप्रयाग में 12 साल पहले सब्जी मंडी बनने के बाद भू धसाव होने के बाद लोगों के घरों में दरारें आनी शुरू हो गई थी और तब से ही एक तरह से डेंजर जोन में गिना जाता है। कर्णप्रयाग के बाद बारी आती है रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद मरोड़ा गांव के लोग भी ऐसी समस्या से परेशान हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के कारण इस गांव में भी छोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। स्थायी उपाय की जगह यहां पर पीड़ित लोगों को कुछ धनराशि देकर मामूली राहत दी जा रही है, जबकि यहां भी जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं क्योंकि जो रेल मार्ग बनाया जा रहा है उसमें भी कई सुरंगें बनाने का काम जारी है जिससे कि वहां की जमीन कमजोर हो चुकी है। अब लोग पैसों से तो चुप हो गए हैं लेकिन प्रकृति ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगी। इसी रेल लाइन के चलते एक और इलाका इसी तरह के गहरे संकट में आ गया है। टिहरी की विधानसभा नरेंद्र नगर के अटाली गांव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग के निर्माण के लिए हो रहे विस्फोटों से संकट छाया हुआ है। यहाँ गांव के नीचे से होकर जाने वाली रेलवे लाइन सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है। टनल बनाने के लिए विस्फोट किए जा रहे हैं जिससे अटाली गांव के खेतों और मकानों में दरारें आने लग गई हैं। गांव वालों का कहना है कि डेवलपमेंट की जगह उनका विनाश हुआ है और तो उनके पुश्तैनी मकान उनकी आंखों के सामने तबाह हो रहे हैं। अब उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर वाडिया गाँव की बात करते हैं जहाँ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यहाँ साल 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। धीरे धीरे गांव के घरों में दरारें आने लगी। वहीं यमुनोत्री धाम को जाने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे भी धंसने लगा जिसके बाद से इस गांव के लिए कुछ खास काम नहीं किया गया और आज भी वो खतरनाक बना हुआ है। 1991 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद उत्तरकाशी जिले का मस्ताड़ी गाँव में भी इसी तरह का धसा हो रहा है। यहाँ लोगों के घरों में दरारें आ रखी हैं तो वहीं रास्ते और खेत लगातार धंस रहे हैं। 1997 में प्रशासन ने गांव का भूभर्गीय सर्वेक्षण भी करवाया था। भूवैज्ञानिकों ने गांव में तत्काल सुरक्षात्मक कार्य का सुझाव दिया था लेकिन आज तक गांव का विस्थापन नहीं हो पाया। यहाँ की जमीन धीरे धीरे धंसती जा रही है। इन सब छोटे छोटे गाँव से हो सकता है सरकार को फर्क ना पड़े लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नैनीताल जैसा सबसे प्रमुख शहर भी आज इसी खतरे में जी रहा है। नैनीताल के बलिया नाले के भूस्खलन का आज तक कोई सलूशन नहीं हो पाया। इसके अलावा नैनीताल का बैंड स्टैंड भी भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। बलिया नाला नैनीताल शहर के साथ ही साथ नैनी झील के लिए भी खतरा बन गया है। बलिया नाले पर सबसे पहले 1867 में फिर 1889 में और 1898 में भूस्खलन हुआ था। कई लोगों की जानें भी भूस्खलन में जा चुकी हैं। वर्ष 1924 में भी भूस्खलन हो चुका है। अब तक यहाँ से लगभग 150 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी दिन इसी वजह से पूरा नैनीताल तबाह हो सकता है। अब जरूरत है तो बस समय रहते काम करने की। आपको क्या लगता है कि सरकारें अब और जोशी मठ जैसी घटना होने से रोक पाएगी? अब आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।